अकबर और बीरबल, चोर की दाढ़ी में तिनका। एक बार की बात है, बादशाह अकबर की सबसे प्यारी अंगूठी अचानक गुम हो गई थी। बहुत ढूंढने पर भी वह नहीं मिली। इस कारण बादशाह अकबर चिंतित हो जाते हैं और इस बात का जिक्र बीरबल से करते हैं। इस पर बीरबल महाराजा अकबर से पूछते हैं, महाराज आपने अंगूठी कब उतारी थी और उसे कहाँ रखा था? बादशाह अकबर कहते हैं, मैंने नहाने से पहले अपनी अंगूठी को अलमारी में रखा था और जब वापस आया तो अंगूठी अलमारी में नहीं थी। फिर बीरबल अकबर से कहते हैं, तब तो अंगूठी गुम नहीं चोरी हुई है और यह सब महल में साफ सफाई करने वाले किसी कर्मचारी ने ही किया होगा। यह सुनकर बादशाह ने सभी सेवकों को हाजिर होने को कहा। उनके कमरे में साफ सफाई करने के लिए कुल 5 कर्मचारी तैनात थे और 5ों हाजिर हो गए। सेवकों के हाजिर होने के बाद बीरबल ने उन सभी को कहा, महाराज की अंगूठी चोरी हो गई है जो अलमारी में रखी थी। अगर आप में से किसी ने उठाई है तो बता दें, वरना मुझे अलमारी से ही पूछना पड़ेगा। फिर बीरबल अलमारी के पास जाकर कुछ फुसफुसाने लगे। इसके बाद मुस्कुराते हुए 5ों सेवकों से कहा, चोर मुझसे बच नहीं सकता क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका है। यह बात सुनकर उन 5ों में से एक ने सबसे नज़र बचाकर दाढ़ी में हाथ फेरा, जैसे ही वह तिनका निकालने की कोशिश कर रहा हो। इसी बीच बीरबल की नज़र उस पर पड़ गई और सिपाहियों को तुरंत चोर को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। जब बादशाह अकबर ने उससे सख्ती से पूछा तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया और बादशाह की अंगूठी वापस कर दी। बादशाह अकबर अपनी अंगूठी को पाकर बेहद प्रसन्न हुए। चोर की दाढ़ी में तिनका कहानी से सीख। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, इस कहानी की मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ताकत की जगह दिमाग का इस्तेमाल करने से हमें हमारी हर समस्या का हल मिल सकता है। तो इसलिए हमें कभी भी मुसीबत के समय में अपनी समस्या के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई कहानी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।